आप देख रहे हैं हलचल न्यूज 24। सारण जिले से इस समय एक बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आ रही है, जहां आकाशीय बिजली गिरने के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों मौतें एक ही परिवार से हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भेल्ली थाना क्षेत्र के रजूपुर गांव में एक परिवार के कुछ लोग खाद बीज छीट रहे थे खेत में, उसी बीच आकाशीय बिजली गिरी, जिसके कारण अशोक राय की मौत जहां मौके पर हुई है, वही उनके पुत्र आदित्य कुमार और भतीजा रोहित कुमार की भी मौत हुई है। इस प्रकार एक साथ 3 मौतें हुई है। वहीं अंकित कुमार, जो कि अशोक राय का भतीजा है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे रेफर किया गया है। आइए इस विषय पर हम बात करते हैं मृतक के परिजनों और मुखिया और गाँव वालों। जी, क्या घटना हुई है? सर, घटना हुआ है कि जो खेत में खाद छींटने के लिए एक ही परिवार का 4 व्यक्ति गए थे, जो एक पुत्र थे, एक उनका पिताजी थे, एक उनका भतीजा था जो अशोक राय थे, और एक उनके साथ में और भतीजा थे। चारों आदमी का तड़का गिरा और अचानक उन लोग 3 आदमियों का डेथ हो गया। एक इमरजेंसी के कारण वो पटना रेफर हो गया। किन किन व्यक्ति की मौत हुई है? एक अशोक राय है, एक रोहित कुमार है, एक आदित्य कुमार है, और रेफर है उसका नाम है अंकित। रेफर जो उसका अंकित नाम। अंकित नाम। आप अपना परिचय देंगे? सर, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता हुआ, नाम कटसा हुआ, जीपुर मुखिया हुआ, थाना भेल्ली। जी, बताइए क्या घटना हुई है आपके गाँव में? ग्राम पंचायत कटसा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 आदमी का देहांत हो गया है, एक आदमी दवाई भी हो गया। कौन कौन लोग की मौत हुई है? एक वार्ड सदस्य है अशोक कुमार राय, और एक लड़का है उनका, एक भतीजा। और कौन लड़का रेफर गया है? अंकित कुमार। सभी लोग एक ही परिवार के? आप अपना परिचय भी देंगे? गौतम कुमार साहब। खेत में उस समय क्या कर रहे थे? खाद छींटने गए थे। फिर आकाशीय बिजली गिरा उस समय, लोग वहाँ पर बहुत देरी के बाद मालूम चला उनके घर वाले को, इसके बाद में वहाँ पर गए थे देखने के लिए। ऐसा ऐसा हुआ, पूरा स्थिति लाख करोड़ लाए हॉस्पिटल। सर, आकाशीय बिजली गिरने से अभी कितने लोग अस्पताल में आए हैं, किन की क्या स्थिति है? 3 लोग आए हैं, 3 लोग प्रॉड डेड था। तीनों प्रॉड डेड हैं। कौन कौन लोग हैं? अशोक राय, आदित्य कुमार और रोहित। ये कहाँ से आए तीनों व्यक्ति? जो आए भेल्ली से। भेल्ली थे ना? तीनों ब्रॉड डेड ही हैं ना? अपना परिचय भी देंगे सर? डॉक्टर धनंजय। पूरा